जजपा नेत्री दीपाली चौधरी ने आज जिला परिषद चेयरमैन गुरुग्राम का पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और भाजपा नेता जीएल शर्मा ने बुके और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन कल्याण चौहान ने अपनी कुर्सी पर बैठाकर उनको आशीर्वाद दिया। वहीं नव नियुक्त चेयरपर्सन ने भी सभी का धन्यवाद किया और साथ ही इलाके की जनता और सभी पार्षदों का आभार जताया। दीपाली ने कहा कि बिना भेदभाव के इलाके का विकास करना ही मेरा मकसद रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरपर्सन दीपाली चौधरी के पिता और वरिष्ठ जजपा नेता चौधरी दीपचिन सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वोट दिया था, जीत कर जिता कर मुझे यहाँ भेजा। उसके बाद मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ कि सबकी सहमति से मुझे इस पद पर, इस कुर्सी पर सुशोभित किया। अब एक युवा है, युवा जनरेशन से बनी है जिला पार्षद, अब क्या क्या काम आपके सबसे पहले होंगे? सबसे पहले तो विकास का ही काम होगा पूरे जिले में, किसी के साथ भी विकास के काम में भेदभाव नहीं होगा। और उसके बाद जो जनता की समस्याएं होंगी उनका सोल्यूशन, जैसे वाइस कल्याण सिंह भाई साहब लगातार काम करते हैं तो उनके नक्शे कदम पर कितना चलना चाहेंगे भैया जी? उनके जो काम लगातार कभी आज तक रुके नहीं है ना रुके हैं, 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम यही चाहेंगे कि उनसे भी अच्छा और अच्छा करें।